हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा सर के पार गया, एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। आप तो भ्रष्टाचारी, मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया? आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप है। मीडिया पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें। उसी रोड पे हमारे पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसी रोड पे जैसे महिलाएं चलती है ना सम्मान के साथ में अकेली, वैसे मोदी, योगी, अमित शाह कोई भी हो, उस रोड पे चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अभी तो अरड़ो का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत और इस गोदी मीडियाओं पे थूकता है भारत, सब दलाल है भैया। मैंने क्या बताया कि रवीश कुमारी भाई एक सही था बस। मेरे साथ एक युवा ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण जो बोल रहे हो भैया, क्यों बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग हिंदू? हाँ हिंदू हो? बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ हिंदू हैं और ये कह रहे हैं कि जो शाहरुख खान की फिल्म है वो ठीक है। कैसे कह रहे हैं भैया? हिंदू तो विरोध कर रहे हैं भैया। जिसको जो करना है करने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, जिसको विरोध करना है करने दो, हम तो देखने जाएंगे, बस हम जाएंगे। अभिव्यक्ति नाम क्या? सरकार में बैठे हुए लोग विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी जी। अरे उनके करने से क्या होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा तो आरएसएस की सफल कार्यकर्ता रही हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बताओ, उससे क्या होगा? रहने दो। धर्म भगवा का अपमान धर्म का अपमान नहीं है? उसमें क्या कह रहे हैं कि भगवा बेशरम है? रंग गाना में बोला ये रंग बड़ा बेशरम है। अच्छा तो हरा भी बेशरम है, हरा भी बेशरम है। प्राकृति का कलर क्या है बताओ, पेड़ पौधों का? नीला, नीला हरा। ये नीला है, पेड़ों का रंग नीला होने लगा भैया। आसमान का रंग नीला है, पेड़ का रंग हरा है, ग्रीन है, तो सब बेशरम है। तो किसी को बेशरम नहीं करना चाहिए था ना रंग को? नहीं, वो रंग बेशरम भाई, रंग बेशरम। पादुकोण को ऐसे कपड़ों पर डांस नहीं करना चाहिए था, अश्लीलता फैल रहा है। अच्छा और जो अश्लील फिल्में बन रही हैं उस पे क्या बोलोगे आप? अश्लील फिल्में भी तो बनती हैं, उस पे क्यों नहीं बोलते हो आप? इस पर रोक लगना चाहिए। तो रोक हम लगाएंगे या आप लगाओगे? करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रोक हम लगाएंगे, आप बताओ। कटरीना कैफ हो, कौन लगाने का काम करेगा? वर्तमान सरकार और सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड का कुछ नहीं जा रहा, वर्तमान सरकार का कुछ नहीं जा रहा, काहे माथा पच्ची करते हो भैया? तो जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हो बेवकूफ हैं। मुझे होगा भैया, क्योंकि देखो जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी इतने तैसे हॉल का ईट की ईट से ईट बजा देंगे अगर देखे। कुछ नहीं बजने वाला भैया, धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अच्छा जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया, कैसी राजनीति करते हैं आप? मोदी विरोधी? हम नहीं मोदी विरोधी हैं, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं। अरे भैया हम तो मोदी जी के कांख का वो बाल हैं, बिल्कुल छोटा सा, हम मोदी का विरोध कर पाएंगे? मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। आप मोदी विरोधी नहीं है? हम नहीं हैं, हम तो आप कांग्रेसी, कांग्रेसी एजेंट हो? अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। हम तो निर्दलीय। आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में? हाँ महंगाई है, 400 वाला। थाली में सब्जी पड़ती है आपकी? कितनी सब्जियां खाते हो थाली में? थाली में भैया देखो हम तो गरीब हैं और 2014 से पहले खाते थे 5 किलो राशन मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा। सिलेंडर का गैस नहीं मिल रहा है? 1053 में 450 में भरता था। तो क्या तो 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे? शेर मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको और प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं, आप उनको जानवर बोल रहे हो? शेर का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, उनसे थर थर कांपता है चीन और पाकिस्तान। अच्छा हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा सर के पार गया, एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। पाकिस्तान कांपता है, चीन कांपता है, बांग्लादेश कांपता है, कौन कौन कांपता है? मोदी से तो पहले विधायक कांपते हैं भैया, मोदी से तो पूरा हिंदुस्तान ही कांपता है, हिंदुस्तान भी तो कांपता है मोदी से। किसकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है मोदी जी से सवाल पूछने की? मुझसे? हाँ आप जी सबसे डेमोक्रेटिक नहीं है, आपकी भी हिम्मत नहीं है। जब उनकी मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, अगर वो कहीं जा रहे होते थे ना आप जैसे पत्रकार, अरे बताइए बताइए बताइए, आप पूछिए ना मोदी से, काहे नहीं पूछते हो? मोदी है तो मुमकिन है, जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, कुछ आप जैसे देशद्रोही हैं जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। अच्छा तो इसका मतलब आप 2014 से पहले आप भी देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, आप भी तो देशद्रोही थे जब मनमोहन जी के मुंह में ठूंस देते थे, तब भी आप तो भ्रष्टाचारी थे। मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया? आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप है। मीडिया पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें।
आपका भरोसा? जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं सरकार के बदलते ही, आप भी उन्हीं के इशारों पे नाचने लगते हो। मीडिया, हाँ तबाहें हो चुकी हैं मीडिया, तबाहें अपनी अदाएं बदल रही हैं मोदी के इशारों पे, जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं पैसे पे। भाई साहब, मीडिया ने मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी और जब तक मोदी जी बढ़िया का हमारा काम, मीडिया चलता रहेगा ना। अरे सत्ता के दलालो, सही काम कर लो। राहुल गांधी को कहने दिखाते हो? अरे राहुल गांधी पप्पू है। अच्छा, और ये इसको गप्पू कहोगे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। ये तो सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये तो बहुत बोलिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा सर के पार गया, एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। मैं तो बोल ही रहा हूँ भैया, हर हर मोदी नहीं, घर घर भी मोदी। चाइना कांप रहा है, जेहादियों को एकदम सलटा दिया गया, आतंकवादी अंदर है, अपने अपने घरों में बंद है, भाग गए आतंकवादी, देश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग। बहन बेटी यूपी में गहना लाद कर घूमती हैं। उसी रोड पे हमारे पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसी रोड पे जैसे महिलाएं चलती हैं ना सम्मान के साथ में अकेली, वैसे मोदी, योगी, अमित शाह कोई भी हो, उस रोड पे चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। उस रोड पे अकेला चल के दिखा दे, मैं जैसे खुली आजादी। अरे भाई साहब, तो आप ही बड़ा होशियार हो, जनता तो 156 सीटें देती है गुजरात में मोदी जी को, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक भी सीटें नहीं मिली, उसका कहे नहीं बताते हो, उसका कहे नहीं बताते हो, 156 सीटें दे दी, 156 सीटें दे दी। नहीं आई क्या 156 सीटें? वो तो आप कह रहे हो आई है, हम तो नहीं मानते। एक घंटे में ऑटो की संख्या बढ़ जाती है, आई है भैया, हम भी मानते हैं। क्या एक घंटे में ऑटो की संख्या का मतलब? मतलब आप बताओ भैया, जैसे आप नेहरू से पूछते थे, इनसे पूछते थे। अरे कांग्रेसी चुनाव हार जाते हैं ना, तो ईवीएम करने लगते हैं। अच्छा, ईवीएम लाया था कौन? कांग्रेस वाले लाए थे। बिल्कुल, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी नहीं लाए हैं, लेकिन इशारों पे किसके नाच रहा है आप बताओ? किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। कौन नाम लेके बताओ, कौन एंकर इशारों पर नाच रहा है? एक हिम्मत है नाम लेने की? अरे नाम ले लें, बताओ। बिच्छू का मंत्र नहीं आता, सांप क्यों बिल में उंगली डाल दें? मीडिया वाले का नाम लेके बताओ ना, कौन? मेरा ही नाम ले लो। कौन सा चैनल ऐसा है, कौन सा ऐसा चैनल है जो राहुल गांधी की का सवाल पूछती है, अंजना सवाल पूछती है, चित्रा सवाल पूछती है, अर्णव सवाल पूछता है, अमित सवाल पूछता है? अर्णव की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। अरे कब बोला है? सुनो पहले सुनो, सत्ता के दलाल ब्राह्मणी है, वो ब्राह्मणी है। लो आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। ऐसे तो करते थे, मनमोहन के मुंह में ठूसते थे, और मोदी के हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? नहीं, वो भी अरड़ो का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। अक्षय कुमार ने पूछा, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? वो अक्षय कुमार ने नहीं पूछा था, एक बार आप फिर से देखना, वो उनकी नौकर की लड़की ने पूछा था कि अक्षय कुमार जी पूछ लेना। हाँ तो अक्षय ही रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, यही ये देखो गोदी मीडिया कैसी होती है, जो बड़ा होता है जिसे लोग पहचानते हैं उसे ही दिखाते हो। अब अक्षय कुमार को ये नहीं कह रहे कि उनकी नौकर की लड़की ने सवाल पूछा कि कौन सी विटामिन लेते हैं, कौन सी विटामिन लेते हैं? अब ये तो भैया मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बताऊं। देखो हिमाचल में, अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा तो मोदी जी ने भगाया है, हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये, मोदी जी ने भगाया है? अरे हमारी सेनाओं ने भगाया है भैया, मोदी जी ने भगाया है? कैसी बात करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती मोदी जी की तारीफ करते हुए आपको? मतलब मोदी जी की तारीफ ना करें? हम कहाँ कह रहे हैं ना करो, अभी आप कह रहे हो कि मोदी जी ये बात मानो कि नहीं कि पूरी एक बात बताओ, सेना ने खदेड़ा है या मोदी ने खदेड़ा है, ये बता दो आप। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री ना, क्रेडिट तो दोगे ना। अच्छा, और जो इससे पहले जो होते थे क्या हो गया उससे पहले? 99 में नहीं हुआ था क्या? 71 में नहीं हुआ था क्या? पाकिस्तान से या चीन से और भी देशों से हुए थे ना हमारी लड़ाई, तो सेना भगाती थी या वर्तमान प्रधानमंत्री भगाता था? एक बात बताओ भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनावत का नाम सुने हैं? उसने कहा है कि 2014 में भारत आजाद हुआ, जब मोदी जी आए हैं ना तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे, तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है, बस आधे कपड़े दिख रहे हैं। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। हम कर रहे हैं अपमान? अच्छा, वो बिल्किस बानो वाले पे जो संस्कारी ब्राह्मण बता के, भैया
आपको ब्राह्मण होता है संस्कारी? सुनो सुनो, 84 होता होगा, देखो 84 का दंगा आपको याद होगा, उसके बाद में मनमोहन जी ने सदन में हाथ जोड़ के सिखों से माफ़ी मांगी थी। 2002 वाले दंगे के लिए मोदी जी मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे? महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, बिल्कुल इस बानों से माफ़ी मांगेंगे? मैं महिलाओं का विरोध कर रहा है, हम कौन होते हैं भैया? उनका अभियान चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे? क्या बोला था उसने, एक बार ईमानदारी से बता दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। झूठ बोल रहे हो तुम लोग यार, झूठ बोल रहे हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर झूठ बोल रहे हो। जब तक सही नहीं बताओगे मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। आप बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल, तुम्हारी जब हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो उनके इशारों पे ही नाचूंगा। जब आप लोग, सत्ता का दलाल है, बिल्कुल रूबिका दलाल है, सब दलाल है भैया, अंजना दलाल है। सिर्फ एक ही मर्द था भाई पत्रकारिता में। कौन? रवीश कुमार, जो सवाल पूछता था। हिम्मत है तो पूछो ना। अरे रवीश एजेंडा चलाता था कांग्रेस का। अच्छा, हिंदू विरोधी है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है। आप बीजेपी का एजेंडा चलाते हो? बीजेपी का एजेंडा चलाते हो? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है? हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? भारत की सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री है। पद्मश्री है? हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब, ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रतन मिलना चाहिए। पद्मश्री तो आपने बहुत बड़ी बात। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रहता कि महिला का अपमान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ मैं कह रहा हूँ। ये तो किसने कहा था भैया, आपको पता है? स्लिप अप। अरे मोदी जी ने सबको मुफ्त में वैक्सीन दे दी, वैक्सीन दे दी तभी बच पाए तुम। अच्छा, ये गुजरात में, तभी यहाँ खड़े हो। अच्छा, गुजरात में वैक्सीन बन रही थी, मोदी जी ने दे दी। मोदी जी ने टाइम में वैक्सीन बनवा के दिया। तुम झूठ क्यों बोलते हो? हिम्मत है तो सच्चाई बोलो ना, मोदी ने दिए वैक्सीन। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जितने खड़े हैं, कोई एक बंदा बता दे, कोई एक बंदा बता दे जिसे मोदी ने वैक्सीन दी हो, मोदी ने वैक्सीन लगाई हो। कभी कहते हो कि मोदी जी ने अरुणाचल के वहाँ पे मतलब चीनों को भगा दिया, कभी कहते हो मोदी ने वैक्सीन। अरे भैया मोदी करता है ये। अरे भाई साहब पेट्रोल पंप हटा लो, जिसको जाना है भाई जाइए। हाँ, छोड़ो, किसका किसका हटाना है? नहीं बस भाई, अरे रुको भैया, ऐसे मोदी जी का विरोध करके चले जाओगे बच के। भैया देखो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ईडीओ सीडी आपके जेब में बैठी होगी, भेज देना बस। जैसे एड्रेस बता दो, अगर योगी जी का सरकार है और रामराज चल रहा है। अच्छा, तो रामराज का तो हम स्वागत करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं भैया। मोदी जी, और मोदी जी तो वो साक्षात कल की अवतार है, भगवान राम को भी घर दिया उन्होंने, मंदिर बनवा दिया। भगवान राम को घर दिया? भगवान राम को घर देने वाला कौन होता है? मंदिर किसने बनवाया? मंदिर का ताला किसने खुलवाया, ये क्यों नहीं बताते हो आप? मंदिर का ताला किसने खुलवाया? महाकाल का घर किसने सजाया? अरे मंदिर का ताला किसने, कॉरिडोर किसने बनाया? अरे भैया देखो, हर चीज का एक समय होता है, ये भी सूर्यास्त हो रहा है, अगर 3 बजे ही हो जाए 50 साल तक तुम लोग सत्ता में नहीं आओगे। सत्ता के दलाल तुम कह रहे हो 50 साल? टुकड़े टुकड़े गैंग। सत्ता के दलालो, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ 50 साल आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हो। 50 साल की बात करते हो, 50 घंटे की गारंटी कोई दे दे किसी की। आपकी गारंटी है कि अगले 50 मिनट बाद मुझे मोदी जी का विरोध, देश का विरोध? मैं कहाँ कर रहा हूँ मोदी का विरोध, मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया? मैं मोदी जी का विरोध करने लायक हूँ? मैं इतना काबिल मैं ना राष्ट्रपति हूँ, ना मैं गृह मंत्री हूँ। तुम सपाई हो, बसपाई हो, या कांग्रेसी हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य? क्या कहा, ना मैं इस दल से हूँ, ना मैं उस दल से हूँ, मैं निर्दलीय हूँ बस। मीडिया दलाल है, बिल्कुल मतलब दिखाओ ना सच्चाई। 2 करोड़ रोजगार का है, पूछो कहाँ 2 करोड़ रोजगार है? अरे 15 लाख सप्ताह में नौकरी मिल रही है, पकौड़ा तलने की योजना है। अच्छा, पकौड़ा तलने से भारत का विकास होगा? तो तलो पकौड़ा, और क्या तलो। अगर पकौड़े से विकास होता है तो कह दें कि अब अगर इनका 24 में चुनाव होने वाला है ना, तो इनसे बोल देना मौजूदा सरकार से कि आप लोगों को, अरे सुनो, फ्री में जीबी मिल रहा है, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है। अच्छा, तो बीएसएनएल को कहे बंद कर दिए थे? बीएसएनएल वाले नहीं देते। सरकारी कंपनी से अच्छा प्राइवेट कंपनी काम करती है। अच्छा भैया देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर वालों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर जगह अगर प्राइवेट वाले ही आ गए ना, तो प्राइवेट वाले भी ढंग से काम नहीं करेंगे। तो मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं भैया? हमें तो नहीं मिली, ना हमारे गांव में किसी को। आप उस लायक नहीं होंगे? अरे मैं तो नालायक हूँ भैया, आप लोग जो मोदी से सवाल पूछेगा उसे आप लोग जबरदस्ती नालायक साबित कर दोगे। मोदी का विरोध देश का विरोध है। मैं कहाँ कर रहा हूँ विरोध, तो आप कर रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ भैया मोदी विरोध,
मैं करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ बार बार, मैं कौन होता हूँ मोदी का? मान लो माफी मांग लो, मीडिया दलाल नहीं है, कैमरे पर माफी मांग लो। अगर आप उनसे, अगर देखो वर्तमान सरकार से आप लोग सवाल अगर मांग पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार का सवाल पूछे भाई, जब सब बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पीए के ऊपर कब्जा होगा, जनता खुश है, नौकरियां मिल रही है, आप भी तो कांप रहे हैं। एक कैमरा वाले नीचे करिए, पैर इनका कांप रहा है शंभू जी का। अरे नीचे करियो ना भैया, सत्ता के दलालो नीचे करियो, नीचे करो भैया, देखो नीचे सब दलाल है भैया। मैंने क्या बताया कि रवीश कुमारी भाई एक सही था बस, और उसका चैनल तो बिक गया, आपने देखा ही है। अगर आपने रवीश तो अब बेरोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया, आप लोगों से अच्छा ही खाएगा, एक बात याद रखना। रवीश कुमार और क्या, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है भैया, दर दर भटक रहे हैं। अरे कहीं नौकरी नहीं है भैया, नौकरी तो कहीं नहीं है, ठोकरे खा रहे हैं। खाने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। तो वो मेरे सारे सवाल थे जो टीवी अखबार रात दिन पूछता है, और विपक्ष जो बोलता है वो बोल रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोचिए अभी भी इस देश में लोग हैं जो सवालों का जवाब देते हैं। इस बार इंटरव्यू में मुझे आप अमित देवगन मान सकते हैं, लेकिन लगता है कि लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। लेकिन सचमुच पत्रकार होने पर अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आम लोग को लगता है कि पत्रकार जो है वो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।